नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। क्रिसमस आने वाला है। आमतौर पर कहा जाता है कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज तोहफे लेकर आते हैं, लेकिन दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार कोका कोला ने अपने कर्मचारियों को क्रिसमस से पहले एक तगड़ा झटका दिया है। खबर है कि दिग्गज बेवरेज कंपनी दुनिया भर से अपने 2200 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। अकेले अमेरिका में ही करीब 1200 कर्मचारियों का क्रिसमस इस साल फीका पड़ सकता है। दरअसल कंपनी का यह मानना है कि कोरोना काल की वजह से लोगों का थिएटर, बार, मूवी, स्टेडियम ऐसी जगहों पर जाना कम हुआ है और इन्हीं जगहों पर कोका कोला जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स की मांग सबसे अधिक होती है। लिहाजा कंपनी अपने वर्कफोर्स को रिस्ट्रक्चर करने की दिशा में काम कर रही है। कर्मचारियों की संख्या में ये कटौती कोका कोला के कुल वर्कफोर्स का करीब 2.5% होगा। कंपनी के प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें वॉलंटरी बायआउट्स और छंटनी शामिल होगी। इस साल की शुरुआत में कोका कोला के पास 86,200 कर्मचारी थे। अमेरिका में ही केवल 10,400 कर्मचारी कोका कोला में काम करते थे। इसी साल अगस्त महीने में नॉर्थ अमेरिका में कोका कोला ने अपनी कंपनी से तकरीबन 40% लोगों को कुछ वेतन देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसी दौरान कंपनी ने संकेत दे दिए थे कि आने वाले महीनों में और भी छंटनी हो सकती है। कंपनी ने कहा है कि उसके वर्कफोर्स में इस तरह के बदलाव से 350 से 550 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा, लेकिन सालाना स्तर पर कंपनी को इतनी ही रकम बचाने में मदद मिलेगी। ये साल 2020 वाकई हर मायने में एक तरीके से बुरा ही कहा जाएगा। कोरोना काल, लॉकडाउन, हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं, लाखों लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, रोजगार और पगार का संकट आकर खड़ा हो गया है और ऐसे में कोका कोला जैसी बड़ी नामी गिरामी कंपनी भी अपने कर्मचारियों की जब छटनी कर रही है तो वाकई चिंता की बात है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।